गाना गाते और सीटी बजाते इस शख्स को आप देखिए, क्या आप इसे पहचान गए? अगर नहीं तो हम बताते हैं कि कौन है ये शख्स और क्यों हम इसकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। दरअसल इस शख्स का नाम बदन सिंह बद्दो है और ये यूपी के कुख्यात बदमाशों में से एक है। फिलहाल पुलिस की कस्टडी से फरार हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और इसकी तलाश जारी है। 28 मार्च को पुलिस बदन सिंह बद्दो को फर्रुखाबाद जेल से गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पर लेकर आई थी। इसी बीच पेशी से लौटते हुए मेरठ में एक होटल में रुका और फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस उसका कोई सुराग नहीं जुटा सकी है। तो ये है कि होटल मुकुट महल से बदन सिंह बद्दो एक मिक्की सरदार और एक अन्य व्यक्ति के साथ एक व्हीकल के अंदर जानी रोड पकड़ते हुए और NH-58 का सहारा लेते हुए मेरठ में साकेत तक गए और साकेत में वहाँ पर जाकर जो एक लेडी थी जिनको पुराने से जानता था उनसे उसने कुछ हेल्प ली। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम भानु प्रताप है उसके घर पर ये लोग पहुँचे। वहाँ पर जाकर उसकी कार का प्रयोग करते हुए भानु प्रताप के द्वारा उसको दिल्ली छोड़ दिया गया, दिल्ली में लाजपत नगर क्षेत्र में। तो ये बात पुलिस की ओर से भी बताई जानी है। बद्दो ने यूं तो 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है लेकिन जरायम की दुनिया में उसने PhD कर डाली है। उस पर कुल 37 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या सहित कई गंभीर मामले शामिल हैं। मर्डर के केस में ही मैं सजा मिली थी और इसका लंबा आपराधिक इतिहास है और दूसरे केस में भी पेशी थी गाजियाबाद में जिसके दौरान वो भागा है। तो लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, इनके साथियों का भी है और पुलिस सब पे नज़र रखे हुए और हम लोग उसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। 1996 में हुई अधिवक्ता रविंद्र पाल की हत्या के मामले में बद्दो को अदालत उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। वहीं 2005 में एक जिला पंचायत सदस्य की हत्या के मामले में भी उसे जल्द ही सजा सुनाए जाने की आशंका है। कहा जाता है खुद को घिरता देख बदन सिंह बद्दो ने फरार होने की योजना बना डाली। एक हमारा मित्र था, मेरे ब्रदर का मित्र था, उसके बीमार पिताजी को देखने गए थे, पवन सोनी नाम है उसका। उनको जब देख के निकले तो वहाँ पे इससे पहले उसके ऑफिस पे ही, पवन के ऑफिस पे कुछ घटना हो चुकी थी जिसमें मेरे ब्रदर ने इसको एक थप्पड़ मार दिया था जिसका ये रिवेंज लेना चाहता था। और उसका रिवेंज इसने उस दिन 9/8/96 को रात को करीब 10 बजे करीब इसने घटना को अंजाम दिया अपने साथ और अपने भाई के साथ। मेरे ब्रदर को गोली मार दी जिसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। बद्दो ने फरार होने के बाद उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों में दहशत है। मेरठ पुलिस सहित STF की कई टीमें उसका सुराग जुटाने में लगी हैं, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर कहां गया कुख्यात डॉन बदन सिंह बद्दो। न्यूज़ डेस्क। I'm the head of the house.